और बात कटिहार की, जहां पर कटिहार के बलरामपुर विधानसभा के बारसोई में एक बार फिर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और जेडीयू सहित सभी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को एक बताया और कहा कि किसी भी सरकार ने सीमांचल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ओवैसी ने जहाँ आरक्षण के मुद्दे को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर बोलते हुए अम्बेडकर को गांधी जी से बड़ा नेता करार दिया। साथ ही ओवैसी ने कहा कि बिना मुसलमान के सहयोग से कोई सरकार नहीं बन सकती है, ऐसे में मुसलमान वोटर जाके और अपने महत्व को समझे। हिंदुस्तान अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान उन तमाम मजदूर लोगों का है जिन्होंने अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी पेश की। अंबेडकर से ज्यादा दिमाग है? अंबेडकर गांधी से बड़ा लीडर था, तो अंबेडकर के पास तुम्हारे से ज्यादा जहन था। अंबेडकर के साथ काबिल को सियासतदान हिंदुस्तान में अभी तक नहीं आया। उन लोगों ने आरक्षण दिया, दलित को दिया, आदिवासी को दिया और ओबीसी को दिया। आरएसएस बोलती है कि रिजर्वेशन का आरक्षण खत्म कर दो, इसमें दोबारा गौर होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इस पर भी आपको फैसला लेना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आरएसएस, बीजेपी, मोदी और अडवाणी में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही सोच के हामी है। मगर हम पर इल्जाम लगा देते, जेडीयू ने क्या किया सीमांचल के लिए, मेरा ओपन चैलेंज। मैं लालू को भी चैलेंज कर रहा हूं कि जब तुम आओगे इस सरजमीन पर, बताओ सीमांचल के लिए तुमने 10 साल 15 साल में क्या किया। हम मालिक है यहां पर, हम मालिक बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अपनी ताकत को नहीं जानते, हमको अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। हम अपनी ताकत को नहीं जानते, तुम्हारे बगैर बिहार में कोई हुकूमत नहीं बना सकता, याद रखो। और वहीं पटना साहिब विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने अपने क्षेत्र की जनता से विकास के मुद्दे को लेकर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 साल से जनता की सेवा करता आया हूं, इसीलिए विश्वास है कि इस बार भी जनता उन्हें ही वोट देगी। हमारे पास तो एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। हमने लोगों की सेवा की है, पटना शहरी क्षेत्र के विकास के लिए हर प्रकार के काम किए हैं और आने वाले समय में भी तेजी से विकास हो बिहार का, इसके हम लोग फिर से एक बार लोगों से अपना मत देने की अपील कर रहे हैं।